हेलो दोस्तों, आदिका फन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मसाला आलू पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों इसको खाने के लिए हमको किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नींबू के अचार या फिर आम के अचार के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो टेस्टी सा पूरी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मसाला आलू पूरी बनाने के लिए, यहाँ से मैंने दो नॉर्मल साइज के आलू को अच्छे से बॉयल करके इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल जो गुठलियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, ये नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज करते हैं गेहूँ का। तो चलिए दोस्तों हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम ये आलू जो है उसको मैं ऐड कर रही हूँ एक बाउल में। और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी ये पहले आधा, यहाँ मैंने आधा कप ये आटा जो है ऐड किया है। पहले हम मसालों को ऐड कर लेते हैं, फिर हम बाकी आटे को ऐड करके मैश करेंगे। और हमको इसको बिल्कुल कड़ा जो डो है उसको रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। यहाँ पे मैंने एक चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिंट लीफ लिया है, यानी कि पुदीने की पत्ती। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मिंट लीफ नहीं है तो। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, इसको हम अच्छे से क्रश करके इसको डालेंगे, इसका भी जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे घी बटर मेल्ट करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारे मिक्सचर को हमको अच्छे से मैश करना है और आटा जो है वो हमको धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। इसको हमको बिल्कुल हार्ड डो जो है वो रेडी करना है। जैसे पूरी का आटा होता है ना थोड़ा सा कड़ा, वैसे ही हमको इसको करना है। थोड़ा थोड़ा सा जो आटा है वो ऐड करूँगी, जरूरत पड़ने पर मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कप यानी कि टोटल 1.5 कप मैंने आटा लिया है। तो इसको भी डाल के हमको ऐसे ही गूंथना है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों आटा है वो रेडी है। तो अब अपने हाथों को थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसके छोटे छोटे जो है वो टुकड़े काट लेंगे। आपको जिस साइज का पूरी बनाना है पेड़े जो है वो हमारे रेडी है। तक हम गैस पे ऑयल भी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो हमने गैस पे ऑयल रख दिया है। तो हम लेंगे एक रोलिंग बोल और इसे थोड़ा सा हम ऑयल जो है वो ग्रीस कर लेंगे। हम पूरी को बेलने में आटे का यूज नहीं करेंगे। और अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और इसको ऑयल में थोड़ा सा डीप करके इसको हम बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो पूरी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो ऐसे ही करके हम सारे पूरियों को रेडी कर लेंगे। घर पूरी ले लेते हैं और हल्के हाथ से हमको इसको बेलना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 कप अगर आलू है तो आप 1.5 कप जो है वो आटे का यूज करेंगे, तभी जो है हमारी पूरी जो होगी वो परफेक्ट बनेगी। तो हमारी कुछ पूड़िया जो है वो बनके रेडी है। तो हम उसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है वो अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब इसमें है पूरी को ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारी कितनी पूड़ी जो है वो अच्छी हो रही है। वैसे हम इसको गोल्डन करके ही इसको बाद निकालना है इसको।
पूरी हमारी तरफ की बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो तल के रेडी हैं, तो दोस्तों आप इन पूड़ियों को नींबू के अचार के साथ या फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।